नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उपाय और चमत्कारी टोटकों के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज एक साधारण और बेहद कारगर उपाय आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्रिय भक्तजनों, आज के इस अंक में बात करेंगे कि अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, अगर आपको भी लगता है कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है और आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या महा उपाय करें जिससे आपके भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे। कई बार क्या होता है कि मेहनत करते हैं लेकिन लक साथ नहीं देता, जिसको किस्मत कहते हैं, अर्थात भाग्य कई बार इंसान से रूठ जाता है, जिसके कारण इंसान को जो चीज़ जो लक्ष्य हासिल होना चाहिए वह लक्ष्य इंसान को कभी हासिल नहीं हो पाता। इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब कुछ भाग्य पर भी छोड़ देना उचित नहीं होता, लेकिन किस्मत का होना भी बेहद ज़रूरी है। केवल मेहनत से नहीं, मेहनत और भाग्य कामयाब होने के लिए दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए खास एक केवल एक महादिव्य उपाय लेकर के आया हूँ। अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपका लक आपका साथ देना शुरू कर देगा। उसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनलकी हूँ या मेरा भाग्य साथ नहीं देता, उसके बाद आप इन सभी बातों को भूल जाएंगे अगर आपने यह दिव्य महा उपाय कर लिया। साथियों, उस उपाय को मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उस उपाय को आपने पूर्ण भाव से करना है, तभी वह उपाय आपको फल देगा। प्रिय साथियों, इंसान आज के समय में कितनी ही मेहनत करता है, कितना ही परिश्रम करता है, लेकिन अगर उसका भाग्य उससे रूठा हुआ है तो वह उस मुकाम को कभी हासिल नहीं कर पाता जिसकी वह कल्पना करता है या जो लक्ष्य उसने अपने मन में निर्धारित किया होता है। इसीलिए आज के इस उपाय टोटकों के अंक में मैं आपको बता रहा हूँ वह दिव्य महा उपाय, जिसको अगर आप करते हैं तो आपका लक आपका भाग्य तेज होगा और आप जीवन के प्रत्येक मोर्चे पर कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसोगे। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि वह दिव्य महा उपाय क्या है और किस तरह से आपने करना है। प्रिय साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपको भी लगता है कि आपका भाग्य कमजोर है, तो आपने क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है, नींबू लेकर के 7 बार अपने ऊपर से उस नींबू को वारना है, अर्थात 7 बार उस नींबू को अपने ऊपर से घुमाकर उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। बाएं वाला टुकड़ा दाएं दिशा में फेंकना है और दाएं दिशा वाला टुकड़ा बाएं दिशा में फेंक देना है और अपने मन में ध्यान करना है कि हे भगवान, मेरा भाग्य मेरा साथ देना प्रारंभ करे। इस उपाय के करने से आप अनुभव करोगे कि 1 महीने के अंदर आपका भाग्य आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका भाग्य ने आपका साथ देना प्रारंभ कर दिया है। प्रिय साथियों, यह उपाय किस दिन करना है, यह उपाय आपने बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय करना है और यह उपाय करते समय आपको कोई देख ना रहा हो तभी यह उपाय
प्रभाव करेगा, अन्यथा यह उपाय निष्फल हो जाता है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन एक नींबू लेकर के अपने ऊपर से 7 बार वार कर उस नींबू के 2 टुकड़े करने के पश्चात दाईं दिशा वाला नींबू बाईं दिशा में और बाईं दिशा वाला नींबू दाईं दिशा में आपने फेंक देना है। इस दिव्य महा उपाय के करने से आपका लक, आपका भाग्य मजबूत होगा। और यह उपाय अगर आप करते हैं और इस उपाय के करने से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, यह भी आपने हमसे अवश्य शेयर करना है। कमेंट में बताना है कि आपको इस उपाय को करने के कितने दिन के भीतर परिणाम देखने को मिले हैं। प्रिय साथियों, यह उपाय पहले भी मैंने अपने कई भक्तों को बताए हैं, उन्होंने इस उपाय को किया है और इस उपाय के करने के मात्र 1 महीने के भीतर उनको परिणाम मिले हैं। तो आशा करते हैं कि अगर आप भी इस उपाय को करोगे तो आपको भी शीघ्र ही इस उपाय से परिणाम मिलेंगे और आपकी अड़चनें दूर होंगी। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेना, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। जय माता की। ओम नमः शिवाय।